साउथ वेस्ट सबसे भारी होनी चाहिए। साउथ वेस्ट से शुरू करते हैं। साउथ वेस्ट शुड बी द हैवीएस्ट। और बिल्कुल अपोजिट इसके क्या है, ईशान। ईशान सबसे हल्की होनी चाहिए दिशा, वेट वाइज बता रहे थे हम, ठीक है ना, वेट भार। फिर इससे क्या होगा, सुबह सुबह जो सूर्य उदय हो रहा है उसकी पहली किरणें कहाँ आती हैं, लगभग ईशान में। तो जब वो हल्का होगा, वो डाउन होगा, वहां पर स्लोप है उसकी तरफ, पानी बहके उधर ही आ रहा है, मतलब वहां स्लोप है, डाउन है, उधर ज्यादा से ज्यादा खुली जगह है, वो वास्तु पुरुष का मुख है, मुख पे 7 ओपनिंग्स है, ठीक है ना। उधर हल्की दिशा हो गई, उधर खुली ज्यादा है, उधर ढलान ज्यादा है, तो उधर से सुबह की शुभ रश्मियां सूर्य की वो भर जाएंगी घर के अंदर, ठीक है। और इसका उल्टा क्या है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में क्या है, सुबह ये दोपहर के बाद सूर्य की इंफ्रारेड रेज आती हैं, अवरक्त किरणें, अशुभ किरणें, बहुत ज्यादा गर्मी है, रेडियो एक्टिव है ये, रेडियो धर्मी, ठीक है, बहुत नेगेटिव है। तो इसलिए ये दिशा कहा गया भारी होनी चाहिए, सबसे ऊंची होनी चाहिए, यहाँ हैवी वॉल्स हों, दीवारें भारी हों, यहाँ कम ओपनिंग्स हों। जिस तरह हमारा नीचे की तरफ क्या है, गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग है, और वो भी जब हमें स्पेशल जब यूज करना हो। आपको पता है गुदा मार्ग का प्रयोग कब करते हैं हम, जनरली पूरे 24 घंटे में एक बार, या आयुर्वेद कहता है भाई 2 बार भी बस नॉर्मल है चलो, या अपान वायु बाहर निकालनी हो, अदरवाइज तो उसका कभी प्रयोग करते नहीं। तो इसी से समझो बहुत गहरे मतलब है, इसके गहरे अर्थ हैं कि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसको जनरली नहीं खोलते। साउथ वेस्ट को हैवी रखना है, वहां कम ओपनिंग रखनी है, और ओपनिंग कभी कभी यूज होगा जब बहुत जरूरत हो, एमरजेंसी है, मतलब पूरे घर में मान लो धुआं भर गया, तब आप एग्जॉस्ट यूज करते हैं ना इस तरह, तब साउथ वेस्ट को खोल दो, जितनी जल्दी गंदगी घर की निकल जाए उतना बढ़िया। तो साउथ वेस्ट का बहुत कम प्रयोग होता है, कम से कम ओपनिंग्स। अब देखो ईशान में 7, ठीक है ना, और वहां क्या 2 केवल, और वो भी बहुत ज्यादा। अब आंखें हमारी खुली रहती हैं जनरली, कान हमारे 24 घंटे खुले हैं, नाक हमारी 24 घंटे खुली है, मुंह का हम प्रयोग करते हैं जब हमें बोलना है या खाना खाना है या पानी पीना है, ठीक है। लेकिन जो नीचे गुदा मार्ग मूत्र मार्ग है उसका तो बहुत ही कम यूज होता है। तो इस तरह से साउथ वेस्ट हैवी कैसे होगा, भारी दीवारें, कम ओपनिंग्स, सबसे ऊंची जगह है, मोटी दीवारें, ये मतलब है। और इस सबसे क्या होगा, वही कि सुबह सुबह जब ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग्स है ईशान में, उधर से शुभ किरणें प्रवेश करेंगी और साउथ वेस्ट को बंद कर देंगे, तो हानिकारक अवरक्त किरणें इधर से बंद हो जाएंगी, इधर से आएंगी नहीं, और इधर ईशान से ज्यादा से ज्यादा शुभ किरणें आएंगी। तो साउथ वेस्ट हैवीएस्ट रहना चाहिए, नैऋत्य सबसे भारी रहना चाहिए, उसके बाद उसके पास क्या साउथ है और वेस्ट डायरेक्शन है, ये हैवी होनी चाहिए। ये तो हैवीएस्ट है, ये हैवी है। फिर साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट मतलब आग्नेय और वायव्य, ये मीडियम वेट रहना चाहिए, मध्यम भार। फिर ईस्ट और नॉर्थ लाइट रहनी चाहिए, हल्की। उत्तर और पूर्व हल्की दिशा होनी चाहिए। लाइट, ये प्रकाश शब्द गलत है, लाइट का मतलब हल्की, प्रकाश नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हल्का भार ऐसे कह लो। फिर नॉर्थ ईस्ट लाइटेस्ट सबसे हल्की दिशा, ईशान सबसे हल्की होगी, भले ईशान में गड्ढा भी हो सकता है, ईशान में बिल्कुल मैंने कहा था ना स्लोप सबसे ज्यादा उधर की तरफ है, ढलान, उधर वाटर टैंक हो सकता है अंडरग्राउंड, इस तरह से ब्रह्म स्थान ना तो हल्की ना भारी, मतलब लेवल होना चाहिए ब्रह्म स्थान, ठीक है, ब्रह्म स्थान में ना तो गड्ढा हो ना कोई टीला हो, इस तरह से आकाश की ओर खुला हो, ये है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये लोडिंग हमने पहले बताई दी थी, अब एंगुलर डायरेक्शन में अगर लेनी हो तो 100% नैऋत्य में वेट, इधर आधा आधा रह गया, 4 पार्ट अगर कर दें इसके, और यहाँ ईशान में 0 या -0 भी हो सकता है ये, ठीक है ना। तो इस तरह ये समझने का तरीका है, आगे बाद में आपने यूटिलाइज करना है इस प्रिंसिपल को। अगर इसके 9 पार्ट कर दूं मैं किसी भी प्लॉट के, किसी भी कमरे के, तो इधर हैवीएस्ट 100%, ये हैवी 75 कर दिया हमने, ये मीडियम हैवी 50% कर दिया, ये लाइट है 25%, और ये लाइटेस्ट, देखो माइनस लिखा है ना, मतलब एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से नीचे भी गड्ढा भी हो सकता है यहाँ,
लेकिन गड्ढा ऐसे नहीं कर कर करके छोड़ देना, मैनेज करेंगे उसे ढंग से। मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक या वेल है, कुआं है, जो उसकी भी मुंडेर बनाई जाती थी कि कोई गिर ना जाए उसमें। जिस तरह आजकल बोर वेल में गिरने की इतनी घटनाएं होती है ना, कि उसको ऐसे छोड़ देते हैं, उसको कवर नहीं करते ऊपर ढंग से, ठीक है ना। और ये देखो क्या लिखा, प्लस माइनस जीरो, मतलब प्लस माइनस जीरो मतलब ना तो ऊंचाई हो यहाँ पर ना निचाई हो, लेवल हो, ये मतलब है।